गाइस सी हु इज हियर, और ये हमारे सूर्यांश गुप्ता जी, और हमारी गाड़ी के लिए ये गहना लेके आए हैं। साले तेरे को नंबर दिखाना है गाड़ी अपना। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आज हमने इनको उपलब्धि दी है। क्या दी है? उपाधि वे। आहा बहुत चंगा ना मैं। अरे मेरा घर थोड़ा फैला हुआ है, थोड़ा ऐसा दिखाना पड़ेगा। हम गरीब मिडिल क्लास व्लॉगर्स हैं। सिंपैथी देके हम सब्सक्राइबर्स देते हैं और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो ये रहा हमारा, तो हो गया। हाँ, तो मैं पहले इनको बता देता हूँ कि क्या चीज है ये। नहीं बताना चाहिए, वो बताऊंगा भी नहीं। तो ठीक है। हाँ हाँ, तो हमारी गाड़ी के लिए कुछ आया है जो कि इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, तो मैंने इन्हीं को बोला हूँ कि लगा दो। यही बोल रहे थे ये तो अच्छा। हाँ, मंगाया ये गया है PGX एसेसरीज से, जो कि आप इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे वाली लिंक से, डिस्क्रिप्शन से जो आप, भी तू डालेगा। नहीं हाँ, वो तो मैं डालूंगा नहीं, ठीक है। वो वैसे ही वीडियो भी नहीं डालूंगा। हाँ भाई, तो ये आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका कांटेक्ट डिटेल्स, अरे यार फोकस फोकस। हाँ, ये इनका कांटेक्ट डिटेल्स। अरे चल अलग कर, पैसा देके खरीद। हाँ भैया यार, हाँ भाई, तो ये रहा सामान भाई। पुनीत भैया डिस्काउंट नहीं दे रहे आजकल, ये कुछ नहीं, जरा लोहे की पट्टियां है जिसका हमने बहुत पैसा दिया है। ग्राउंडिंग मशीन होती तो खुद बना लेते। कौन सी मशीन? ग्राउंडिंग होता है। सॉरी सॉरी, इसको ये इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये क्या चीज हो सकती है। वैसे नॉर्मल नहीं है, बहुत यूनिक है। बहुत यूनिक है, वो तो आप देख ही लेंगे कि क्या चीज है ये। एक्रेलिक की ट्रांसपेरेंट शीट है। और ये रहा इसके कुछ कुछ अस्थि पंजर, अस्थि पंजर और कुछ मतलब कसने कुछ ऐसे देखते हैं। बाकी आप देखें, ऐसा लगता है ये। और ये सेटिस्फेक्शन, हाँ ये सेटिस्फेक्टरी थिंग है। वो हम लोग बस ये मंगाते हैं और साथ में ये सब सामान आ जाता है, तो हम लोग गाड़ी में लगा देते हैं। हाँ, वो बात अलग है, वो फ्री दे देते हैं। हाँ हाँ, तो पैसा तो इसका दे रहे हैं कुछ भी। अब आपको आगे दिखाते हैं गाड़ी में फिट करते हुए। चलिए, तो सुयान जी और बताइए इसमें क्या क्या सामान लगेगा। भाई ज्यादा कुछ नहीं, ये क्लैंप इसमें लगेंगे, ये पीछे लगेगा, मतलब ये गाड़ी में लगेगा। भैया नूब है हमारे, तो हम ही इनको थोड़ा। सो गाइस, और ऐसी कुछ दिखती है हमारी अब MT15 V2, और जो हम लगा रहे थे इसमें वाइजर, ये कुछ ऐसा दिखता है। और लगने के बाद क्या ही गाड़ी दिख रही है, मतलब ऐसी लगती है कि जैसे कोई एडवेंचर टूर हो। और लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं कि हाँ ये कोई एडवेंचर टूरर लग रही है, कि कोई कहीं से भी कूदने के लिए, और मतलब वो एडवेंचर टूरर का एक नेचर होता है ना कि कहीं से भी गाड़ी को दादो वगैरह, तो वैसी कुछ लग रही है ये गाड़ी। और बाकी आप देखें तो हेलमेट का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वीडियो क्या, मेरा एक जो लद्दाख का सीरीज आएगा उसमें ही मैं दिखा दूंगा। और लद्दाख के सीरीज के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द उनको वो भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो ऐसी कुछ दिख रही है हमारी MT15, और बाकी जो इंडिकेटर्स हैं उनका जल्दी अपडेट आएगा। पिछले वाले मैंने चेंज कर दिया हूँ, ये वाले नहीं, ये वाले वो वैसे तो एक्चुअली क्या हुआ कि बरसात आ गई थी, मतलब रेनी सीजन के कारण मुझे ये लगाना पड़ा। क्योंकि आपको पता है, जो भी MT15 V2 ओन करते हैं उनको पता होगा कि ये जो टेल है, अगर वो नहीं लगी होती है तो हमारे साथ क्या होता है, पूरी शर्ट गंदी हो जाती है। और ये जो लोकेशन है, ये मैं अभी 0 डिग्री में हूँ,
और बहुत ही अच्छी लोकेशन मिल गई थी मेरे को, चारों ओर से कवर्ड है और रिसेंटली अभी बारिश हो गई थी तो गाड़ी भी थोड़ी गंदी दिख रही होगी आपको, बाकी इतनी भी नहीं है, मैंने बहुत बचा के लाया हूँ, कल ही धोया था वैसे। और जो मैं आपको इंडिकेटर का बात कर रहा था वो ये है, अभी आपको इतना कुछ इसके बारे में बताऊंगा नहीं क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। और ऐसे ही कुछ था हमारे वाइज़र की वीडियो, थैंक्स सूर्यांश फॉर द वाइज़र, और बहुत ही अच्छा दिखता है ये। प्लस आप देखेंगे तो इसमें अलग से माउंटिंग ब्रैकेट दिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा यूनिक वाइज़र है ये, क्योंकि नॉर्मली जो भी आते हैं वो वाइज़र अपने ये बॉडी जो होती है हेड की उसी में कर जाते हैं, बाकी इसमें माउंटिंग ब्रैकेट्स भी मिले हैं। ये हमने PGX एसेसरी से लिया था, तो आप उनका इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, तो 750 के अराउंड कुछ पड़े थे, हो सकता है कि 100 रुपीज़ शिपिंग भी लगी हो, वो वैसे उसने गिफ्ट दिया है तो मुझे उतना बताया नहीं उसने। हाँ तो ऐसी कुछ दिखती है, हेलमेट का वीडियो जल्दी आएगा, मिरर्स मेरे को चेंज करने हैं, पुराने वाले जो लगे थे उसमें इतना कुछ दिखता नहीं था तो मैंने अलग कर दिए। और इसके पहले ही वाली ही वीडियो आई थी जिसमें मैंने मिरर्स और इसका क्रैश गार्ड इंस्टॉल किया था, क्रैश गार्ड बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं, और अगर आपको वीडियो देखनी हो तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगी आपको। प्लस कुछ जो इश्यूज आए थे मेरे को बाइक में, जो मैंने आपको एक बार वीडियो बताया था कि इसमें क्रैक्स आ रहे थे, जो कि अब ये रिपेयर हो गया है, मतलब फुल जो USD थे वो मेरे को कंपनी ने चेंज करके दिए हैं। प्लस अगर मैं आपको एक और इशू बताऊंगा कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है तो उसमें एक इशू आ गया है। गाड़ी अभी हमें फ़िलहाल चल चुकी है, क्लोज टू 5000 किलोमीटर चल गई है, और इसमें जो मैं इशू बता रहा हूँ वो ये है कि जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, मतलब कि चाबी घुमाता हूँ, तो ये वाला स्क्रीन में अटक जाता है, और इसका जो पेट्रोल का इंडिकेटर है वो भी काम नहीं कर रहा है। और प्लस आपको बताऊं तो इसमें पानी चला गया था, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में पानी नहीं जाना चाहिए, और वो भी गाड़ी नहीं है, वाटरप्रूफ नहीं था ये, तो कंपनी को मैंने कंप्लेंट किया हूँ, तो वो कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल ऑर्डर में है हमारा क्लस्टर, तो फ़िलहाल टाइम लगेगा। प्लस ये वाली जो बटन है ना ये ख़राब हो गई है, आई थिंक इधर ही से पानी गया है या कुछ भी, तो ऐसा कुछ इशू है मेरे को, एक और नया इशू आ गया गाड़ी में। तो ऐसा ही कुछ वीडियो था ये वाला, और होप्स आपको पसंद आया, वाइज़र पसंद आया हो, बाइक तो पसंद आएगी ही आपको। प्लस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे एक छोटा सा कमेंट डाल देना, अच्छा सा कमेंट डाल देना जो आपको पसंद आए, उससे एंगेजमेंट बढ़ता है भाई, रीच मिलती है, तो इसलिए बस कह रहा हूँ। और बाकी तो कुछ सब कुछ ऐसे ही है, बाकी निकलते हैं यहाँ से, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश फिर से होने वाली है, तो चलिए ठीक है, ऐसे कुछ वीडियो था, बाय बाय। तो देख रहा है और ये तो सेक्सी चीज है, एक और मंगा ले। थोड़ा यहाँ से काट देंगे भाई, दो दो, अबे सही चीज है यार ये, अबे दो है ना, एक मेरे को दे दे। ओ अबे लग गई चूतिए।